इंडिया नहीं आएगा फाइनल में, पाकिस्तान ही उसको हराएगा सेमीफाइनल में। हाँ तो भाई क्या हुआ, जीतेगा तो जीतेगा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही। मैं तुम्हें यहाँ लिख दूँ ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान का है, ये मत समझो पाकिस्तान शुरुआत में अगर हार गया तो निकल गया बाहर। यार तुम लोग कैसे फैन हो यार, बाबर आजम, यही बाबर आजम की टीम जितवाएगी, यही वर्ल्ड कप जितवाएगी 2023 का। ना जित भाई ये यूट्यूब चैनल और ये मुंडी उड़ा देना मेरी। और भाई पाकिस्तान के फैन बनो तो दिल से बनो ना यार, एक मैच हार गए, दो मैच हार, कुछ नहीं होता यार। अफगानिस्तान से मैच हार गई तो क्या हो गया? अबे अफगानियों के तंदूर की रोटियां कब से खा रहे, बचपन से खा रहे, अगर एक मैच उनको दिखे तो क्या हो गया, क्या उखाड़ लिया भाई। क्लैपिंग है अफगानिस्तान के लिए भाई, क्लैपिंग है, कुछ नहीं होता है यार। एक मैच दिया है यार, कब से तड़प रहे थे वो लोग के, दो दो दे दिया मैच, अभी भी पड़े हुए बाबा। चार मैचों में ऐसा पागल कर देगा ना पाकिस्तान, हिला देगा। और बाबर आजम क्या भाई, वो जाके विराट कोहली से देखो शटे ले रहा है यार, देखो यार कितना अच्छा है यार, जेस्टर कितना अच्छा है, ये चेक करो। अभी नबी के साथ जो भी आप देख रहे होंगे वो लेस बांध रहा था लेकिन लेस ही बनवाई उसने, ये होता है देखो यार, ये होते यार, ये होता है प्लेयर, लेस ही बनवाई उसने। और दूसरा क्या, बैट भी दिया गुरबाज को उसने, देखा होगा आपने, अपना बैट दे दिया। जो बंदा अपना बैट दे दे यार उसके लिए कितनी क्लैपिंग होनी चाहिए, वो बंदा विनर है हमारा, पूरा हमारा वर्ल्ड कप विनर है, वेस्ट मैच विनर नहीं, वो वर्ल्ड कप विनर है हमारा बाबर आजम। और इमाम की बातें करते हो, इमाम है पर्ची नहीं है, वो पर्ची बिल्कुल नहीं है, ऐसा प्लेयर है। अगर वो पुल शॉट में अगर अभी आउट हो रहा है तो गलती हो रही है ना यार, गलती इंसान से होती है, किससे होती है, इंसान से होती है। मारेगा इमाम, हिला देगा, ऐसा तड़का लगाकर हर मैच में तुम देखना उसकी 60-70 रन है, 60-70 रन है, बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ। वरना इसी कमेंट सेक्शन में आके बताना मुझे, बोलोगे यहाँ सलमान सर क्यों करोगे, तुम लोग आगे सलमान सर बिल्कुल सही बोल लेते, ऐसे ही बोलोगे तुम लोग आगे। तो अभी इस पाकिस्तान को बैक करो, वरना तुम लोगों को आगे कुद्दी के नीचे तो लगाऊंगा ना चंबे। तो इस तरह के जो अच्छे फैन है, मुझे पता है अभी भी बाबर आजम के बहुत अच्छे फैन है यार, बाबर इलेवन के बहुत अच्छे फैन है, उनके लिए क्लैपिंग है। जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है मैं बोल रहा हूँ उनके लिए क्लैपिंग है। और जो पाकिस्तान के खिलाफ मीम बना रहा है उल्टी सीधी, उनको बोल रहा हूँ खबर कर लो तुम लोग, वहीं आके मारूंगा, वहीं आके। अब देखते हैं अगला मैच जो साउथ अफ्रीका का है, लिख लो किसी किताब में, ऐसा मारेगा ना पाकिस्तान, और बांग्लादेश को मारेगा, न्यूजीलैंड को मारेगा, और इंग्लैंड को तो तबाह कर देगा यही पाकिस्तान। इससे पहले इंडिया वाले जब हार रहे थे, अगर 2 साल पीछे जाओ तो कैसे विराट विराट वही बेचारा ट्वीट करता था बाबर आजम, उसी को तो उन्होंने छोड़ दिया। बाबर आजम दिल का बड़ा है यार, दिल का बड़ा है, दिल का बड़ा होना चाहिए, जीतते रहो, जीत में मजा नहीं है। पाकिस्तान जो हार के जीतता ना उसको बाजीगर कहते हैं, जीतने वाले को नहीं, ये 5 जीत गए टॉप पे चले गए और हम क्या नाम है हम जीत जाएंगे, ये मजा नहीं है वर्ल्ड कप में यार, मजा तो ये है ना कि पहले हारो फिर जीतो, ये जीत जीत के मजा नहीं आ रहा। अभी जीत रहा होता यही अभी तुम लोग लगा रहे होते, पूछते हैं यार पाकिस्तान 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 बाबर आजम बाबर आजम। अबे उसको बैक करो यार, मैं बैक करता हूँ उसको, टीम ऐसे बनाते हैं, ये टीम बिल्कुल कड़क गई है, बाबर इलेवन कड़क गई है, ना जीते ना, मैं बोल रहा हूँ शुरुआत में बोला मुंडी उड़ा देना, ये यूट्यूब चैनल मेरा जो है ना उड़ा देना ये। और बोलो भाई तुम लोग ये फैन हो, ऐसे फैन हो तो लानत है ऐसे फैन के ऊपर। ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान का ये पूरी प्लानिंग से वर्ल्ड कप चल रहा है यार, ये बाबर आजम ने पूरी प्लानिंग करी हुई थी, था कि इमोशनल ब्लैकमेल करा जाए, अरे यार टीम हार गई हार गई, सब इससे नजरें हटाएंगे पाकिस्तान टीम से, तो ये पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेगी। बाबर आजम ये फैन बनो, दिल से बनो, दिल से ना दिमागों से बनो इधर से। और क्या हारना है यार, ऑस्ट्रेलिया ने तो सिर्फ हारना है, हार जाएगी वो यार, अगर तुझ लोग बोल तो कौन लटका हुआ है सिर्फ पॉइंट टेबल पे, वही है ना जो टीम नहीं हारी भी, वो भी हार जाएगी यानी, वो भी हार जाएगी। दुआ दो दुआ, बद दुआ नहीं दो बैठ के, तुम लोगों की मैं गर्दन काट दूंगा कैसे फैन, अगर तुम लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात करोगे तो एक एक गर्दन उड़ा दूंगा मैं। इंडिया बता दूं, वो भी बता रहा हूं, अभी इंडिया नहीं आएगा फाइनल में, पाकिस्तान ही उसको हराएगा सेमीफाइनल में, देख लेना सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया को हरा रहा है भाई, हरा रहा है, लिख लो, पेन कॉपी उठाओ लिखो, समझ रहे हो तुम लोगों को तो निकल निकल के स्क्रीन से मारूं मैं, बैठ के बातें करते हो, अबे पाकिस्तान हार गया, निकल गया, बाहर हो गया, बाहर हो गया, अबे नहीं हुआ, नहीं हुआ बाहर, अंदर है वो अभी भी, अंदर खड़ा हुआ देख के छुप रहा है बस, वो निकलेगा तभी जब वर्ल्ड कप की बार ट्रॉफी खड़ी हुई होगी, उसको लेने जाएगा, पकड़ के यूं लेकर आएगा उसको। बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है, ये दिखाएगा आगे के मैचों में, आगे के मैचों में बताएगा, यही शाहीन जो मारेगा ना गिल्लियां तो बताएगा, यही हसन, यही टीम जितवाएगी तुम लोगों को, फिर जब जितवाएगी बोलोगे हा 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 पाकिस्तान तो ये था, पाकिस्तान वो था। ये मेरा जो पूरा मैसेज है इसको पूरी जगह फैलाओ, शेयर करो, इस चैनल को शेयर करो, और इस चैनल को ही अगर वर्ल्ड कप जीतेगा ना तुम लोग नीचे कमेंट करना आगे, यार बाकी यार सलमान तुमने क्या बात करी है, और अगर वर्ल्ड कप हारता तुमने मुंडी बताइए ना यार, कि पाकिस्तान जिंदाबाद, सबको हरा के जिंदाबाद।